सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं जसमीत भाटिया और अज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करन वाला इस वीडियो दे दौरान। सो जिन्हें भी चाहवान हैगे आ परमानेंट रेजिडेंस टू कैनेडा लई, उन्हां लई इह वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिवें तुहानूं लैंडमार्क इमीग्रेशन बारे दसा, ज़्यादा असी स्टूडेंट वीज़ा लई जाने चाहीदे आ, पर परमानेंट रेजिडेंसी, टूरिस्ट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा विच भी लैंडमार्क इमीग्रेशन डील करता और पिछले 13 सालों तो जेन्युइन सर्विसिज दिंदा आ रहे हैं। सो बहुत सारे इदां दीआं फैमिलीज़ हैगीआं, तुसीं उन्हां दे रिव्यूज़ साढ़े फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हो। बहुत सारिया फैमिलीज़ हैगीआं जिन्हां नूं असीं परमानेंट रेजिडेंसी च मदद की। सो बहुत वड्डी न्यूज़ आई 30 अक्तूबर नूं, जिहड़ी कि PR वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहड़े चाहवान हैगे हैं, एलिजिबल हैगे हैं PR ते कैनेडा जान लई, उन्हां लई बहुत ही वड्डा न्यूज़ आई जिहड़ी जस्टिन ट्रूडो ने दित्ती 30 अक्तूबर नूं। दैट इज़ कि जिहड़ी शॉर्टफॉल हैगी है, जिहड़ी शॉर्टफॉल 2020 दी हैगी है, वो लगभग 3,41,000 इमीग्रेंट्स घट आए ने कैनेडा ने, और कैनेडा लैंड ऑफ इमीग्रेंट जानिया जाता है, कैनेडा लैंड ऑफ इमीग्रेंट जाना जाता है। 1867 तो कैनेडा 3 लाख बंदा सालाना इमीग्रेंट आ रहा, 1867 तो, और 1913 सब तो वड्डा गया सी जदों 4 लाख बंदा कैनेडा आया सी। पर कैनेडा ने एक पॉलिसी बनाई पिछले साल कि अगले 3 सालों असी 1 मिलियन इमीग्रेंट लवांगे कैनेडा दे लई, 1 मिलियन इमीग्रेंट लवांगे। बट 2020 जिदा कि सारी दुनिया के प्रकोप है करोना करके, कैनेडा अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया और शॉर्टफॉल जी हैगी 3,41,000 इमीग्रेंट्स की हैगी है। और जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया कि आने वाले 3 सालों यानी कि 2021, 2022, 2023 ओ स्टैगर्ड च, मतलब 4 लाख 2021 च इमीग्रेंट्स लैणगे, 2022 च 4,11,000 इमीग्रेंट लैणगे, और 2023 4,22,000 इमीग्रेंट कैनेडा च वीज़ा दिते जाणगे। सो ये टारगेट लैके चल रही है कैनेडा, ये 5% उत्ते थले भी हो सकता है, बट दिस इज़ द टारगेट दे हैव टेकन टू टेक इमीग्रेंट्स टू कैनेडा। सो जिन्हें भी कैनेडा जाण दे चाहवान है, ऑल ओवर इंडिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तुहानू सर्विसिज दे सकदा है। यू कैन contact us if you have any information regarding permanent residency. So on wale 3 saal ch 1.2 million logan nu PR ditti jayegi under various categories, express entry, provincial nominee program, skilled worker program, aur vak vak tarah de jehde programs hege hain ohde under 1.2 मिलियन मतलब कि 12 लाख लोगों नू PR दिती जाएगी कैनेडा दी। सो बहुत सारे प्रोग्राम हैगे हैं प्रोविंशियल नॉमनी विच, वक-वक प्रोविंसेस दे प्रोविंशियल नॉमनी प्रोग्राम्स हैगे हैं। एक्सप्रेस एंट्री तुहानू पता ही है, कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम ते एक्सप्रेस एंट्री चलता है, और जिहड़ा अजकल दा स्कोर हैगा 472, 471, 473 दे लगभग चल रहा है। और जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री लई एलिजिबल हो, तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वी कैन फाइल for you for PR, or if you are eligible for PNP, we can also help you with PNP programs also. So landmark immigration nu tusi contact kar sakde ho for your PR file, and je tusi koi bhi sahayata chahnde ho IELTS di training nu leke ya kisi hor cheez nu leke, tusi mainu mail kar sakde ho info@landmarkimmigration.com, aur sade numbers ne 90413 90412, jithe tusi call karke appointment book kar sakde ho। je tusi mainu milna chahnde ho तो मैं मोहाली ऑफिस च बैठदा, साडी सीनियर PR दी जिन्नी भी टीम हैगी है वो सारी साडे हैड ऑफिस मोहाली च बैठदी है, तुसीं उन्हां नूं भी आके इत्थे मिल सकदे हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अंत च फिर कहांगा साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो।